गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश वीडियो में। बज रहे हैं सुबह के 8:15 तो ना के रेडी हो चुके गाइस। मैं तो फुल रेडी हूँ, पापा भी बस नहाने गए, पापा भी रेडी हो रहे हैं और बोलते ना ऑल सेट निकलेंगे अभी थोड़ी देर मंदिर के लिए। और ऐसे कुछ रूम है गाइस, कल रात बोलते कल के रूम में कुछ ऐसे ही दिखाया था मैंने, ऐसी रूम है गाइस गीतांजलि इंटरनेशनल। तो कोई नहीं, तो ये प्लान ये है, पापा ना के आता है फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। और भीड़ एंड ऑल तो कल रात को जो देखी है घर में, इतनी भयंकर भीड़। पापा ने बोले तो कुछ नहीं है, कोई नहीं, चलो अपना और भीड़ देख लेंगे। तो बस सही, पापा ना के आते हैं और फिर अपन निकलते हैं फटाफट। गाइस तो अभी रेडी है और ये देखिए पापा की ड्रेसिंग, बोलते ना रेगुलर हमेशा ये पहनते हो, चल के आते ये गाइस बोलते ना ये ड्रेसिंग है चल के आने की। कोई नहीं, चलते हैं गाइस भी फटाफट। बोल बाल बोल बाल बोल बाल बोल बाल। आज भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, अभी तो आगे और भीड़ आएगी। पापा बोल रहे तो कुछ नहीं यार, बोल बाल मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। बिना चप्पल के है कि इसके चप्पल यहाँ कहीं रखना, पापा ने बोला बिना चप्पल के चलते तो हम बिना चप्पल के जाना है। देखिए यही है मेन मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम। बस कुछ ले रहे गए जहाँ पर सामग्री और भी चलते। आज सब सामग्री ले लिया, लाइन में लगे अभी। भीड़ देखी गए थे आप, यहाँ से मंदिर का रास्ता है गाइस। सो दर्शन हो गया गाइस, बोलते हैं ना एकदम मस्त दर्शन हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए भीड़ देखी गए थे, ये मंदिर है। A few moments later. So guys, so we बज रहे हैं सुबह के 10 और अपने दर्शन है गाइस नेक्स्ट लेवल हो चुके, एकदम बोलते ना एकदम बढ़िया दर्शन। और भीड़ जो थी एकदम नेक्स्ट लेवल। तो कोई नहीं, अभी आए गाइस रूम में 10:15 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। मेरा प्लान है चेंज कराने के लिए, इसी में कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। एक और मंदिर जाना गाइस, बासुकीनाथ, गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन पापा से कन्फर्म हो गया बताऊंगा वो मंदिर जाना। तो देखते इसी में जाऊँ या चेंज करूँ, कोई नहीं, पापा वे फ्रेश होने आते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो वैसे ही बज रहे हैं 10:15, तो चेंज कर लिए गए मैंने और पापा ने। दर्शन अच्छे हो गए? हो बढ़िया, शानदार है एकदम बढ़िया। नेक्स्ट लेवल के दर्शन हो गए। अभी अभी कहाँ जा रहे थे? बाबा बासुकीनाथ। बासुकीनाथ कितना दूर है? यहाँ से 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। देख पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। आ चुके हम लोग होटल के रेस्टोरेंट में, बुफे सिस्टम है यहाँ पर ब्रेकफास्ट में। तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस। और भी है इडली, क्या उपमा है ये, हाँ उपमा सांभर और वहाँ पूड़ी सब्जी भी है गाइस। तो पहले ये सब करते हैं और फिर आपको मिलता है। बाबा बासुकीनाथ गाइस देखिए, ये है एंट्रेंस बाबा बासुकीनाथ धाम की। गाइस भीड़ देखिए इतनी नहीं है पर जो धूप है ना नेक्स्ट लेवल धूप है गाइस पूरी। अभी बज रहा है 2:15, यहाँ से भी दर्शन करते हैं गाइस और फिर निकलते हैं। गाइस मंदिर के अंदर आ चुके हैं, गाइस यहाँ भी अपनी पूजा और सब डन है गाइस। मंदिर ये भी नेक्स्ट लेवल गाइस, बासुकीनाथ धाम अंदर क्या शूटिंग आपको पता है, इतनी भीड़ होती है ना गाइस, टाइम मिलता ही नहीं, फोन तो निकाले नहीं, बाहर आके निकालते बाहर से मंदिर गाइस ऐसा है। कोई नहीं, पूजा सब डन है, निकल सकते गाइस। देखिए ये जो रास्ता है इसमें दोनों तरफ बोलते हैं ना शॉप्स है, बीच में भी शॉप्स है दोनों के, तीनों तरफ बीच में देखिए एक स्टॉल लेके बैठे हैं और लेफ्ट में शॉप राइट में शॉप बीच में शॉप।
कोई नहीं, अपनी पूजा सब डन है, चलते हैं फटाफट बाहर और निकलते हैं वापस देवघर के लिए। One eternity later. जैसे ही बज रहे हैं 6 बजे, बोलते हैं ना वापस चलो देवघर जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ आरती अटेंड करने की ट्राई करेंगे गाइस, क्योंकि अभी 6 तो बज गए और आरती जो है 7 बजे। यहाँ से पता है कितना और टाइम लगेगा हमें। ये जगह देखिए गाइस, ये है सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार गाइस, पेड़े वाला बोलते हैं ना। अभी तो बहुत बड़ा आदमी पहले लाइक सिर्फ पेड़े बस की इतनी बड़ी ज़मीन, ये आगे हाईवे है गाइस, ये पूरा मेन हाईवे पे पेड़ा वाला के फेमस है, इस पेड़े से फेमस हुआ है ये, और आगे भी इसकी बहुत सारी दुकान है, बहुत फेमस है ये। यहाँ पे आए और इनके पेड़े नहीं खाए तो कुछ नहीं, ऐसा प्रसाद तो कोई नहीं, पेड़े लेते हैं गाइस और निकलते हैं देवगढ़ के लिए। A few moments later. वापस आ चुके हम लोग बैद्यनाथ धाम गाइस, और भीड़ देखिएगा तभी आरती का टाइम होने वाला है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे देखिए गाइस कितनी भीड़ है गाइस, कितनी हम लोग एकदम पास में बैठ के बोलते हैं ना आरती को एंजॉय करेंगे। So guys, तो ये बच रहे हैं 9:45, तो फाइनल घर आ चुका। दर्शन जो हुए गाइस नेक्स्ट लेवल, इतने बढ़िया दर्शन हुए, तो आरती मस्त अटेंड की गई, एकदम बोलते ना बेस्ट जगह से अटेंड की, बस ही पावर फ्रेशन हो गया। फिर बाबा को भी पूछते हैं उनको कैसा लगा दर्शन करके, आगे कहीं भी और आपको मिलता है थोड़ी देर में। सो गाइस, तो डिनर ऑल सब करके हम लोग आ चुके हैं, खाना एक नंबर था गाइस। होटल का नाम है गाइस गीतांजलि इंटरनेशनल, उन्होंने बोला 3-star होटल है गाइस, खाना सब कुछ एकदम बढ़िया। तो ये पापा का पूछता है कैसा हुआ इनके, मतलब बोलते ना इनको कैसा फील हो रहा है अभी दर्शन करके, कैसा लग रहा है आपको दर्शन? अच्छे हुए, बहुत बढ़िया दर्शन भी हुए, आरती भी बहुत अच्छी हुई शाम की, और बासुकीनाथ में भी दर्शन अच्छे हुए, बैद्यनाथ धाम में भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए, खाना वाना खा के अभी रूम में आ गए। बढ़िया, और कल का क्या प्लान? कल वापस, कल बस सुबह आराम से उठेंगे और फिर कलकत्ता चले जाएंगे। तो बस सुबह आ चुके हैं गाइस रूम पे, तो बोलते ना ज़्यादा कुछ व्लॉग लंबा खींच के मतलब नहीं है, तो ऐसे कुछ था गया था अच्छा व्लॉग, शॉर्ट एंड स्वीट। अब बोले चलो हो जुड़े, लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना, जल्दी ही मिल जाए।